राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो आज हम कहाँ पे जा रहे हैं, आप लोगों को साथ में ही लेकर के चलेंगे। थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पूरे व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए और पूरा व्लॉग इंजॉय कीजिए, ठीक है? और भाई, वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है? तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो भी जरूर बताना कमेंट करके। तो बस अभी रास्ते में है और अभी आप लोगों के साथ हम जल्दी ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे, सुमन के पास। और इसके बाद एक जगह पे आपको और लेकर के चलेंगे। और शाम का टाइम है तो यहाँ पे सुमन बना रही है सब्जी। जो आलू हैं वो उबाल रखे हैं, मतलब आलू उबाल करके, और यहाँ पे प्याज टमाटर सारे मसाले और भी क्या था ये, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो डाल ली हैं। और चूल्हे पर बना रही है पतीली में, माम तो डेगची का आकर पतीली को निकाया करते, डेगची के आ गए। तो यहाँ पे बस खाना बनाने लग रही है, उसके बाद फिर बाकी सब तभी मिलवावांगे। तो भाई, आड़े मौसी बैठी है, राम राम कराई थी आपने, और ये बड़े यो मोहित बैठे है, मुंह फुलाए मेरा निकी हो रहा है अभी, इसका तो या आ रहा है, आ कर बहुत जल्दी रुस्या कराई और शरारत भी बहुत ज्यादा कराया करे। तो ईब बाहर तो सुमन सब्जी चढ़ान लाग रही थी, देखा होगा आपने आलू की, और ईब अंदर सरोजन अपना और तैयारी बिठा रखी है। तो जो कढ़ाई में तेल है वो रख दिया है गरम होना, और ये जो लोटा सा है इसमें जो बेसन का गोल है वो तैयार कर लिया है, और जो ब्रेड है वो रख लिए हैं, मतलब जो सिंपल ब्रेड है ना वो बनाएंगे। एक तो अगर ना आप अंदर आलू उल्लू डाल के पनीर भी डालते हैं तो वो सारी चीज़ डाल के बनाया करें, पर ये सिंपल बनावेंगे। और ज्वाइंट फैमिली है तो थोड़े से ज़्यादा बनानी पड़ा है, कोई भी चीज़ बनावा। एक तो अगर थोड़ी सी बना के झटपट बना के अपने उठ ले जल्दी थे, तो ईब अपने लेके चलांगे मामे का बड़ाड़ा गांव में। और ये तीनों जो गांव है ना, मतलब वो आसपास है हमारी, तीन रिश्तेदारी हैं यहाँ पे, जैसे सुमन है कुंगड़ बैणी, और मामे हैं अपने, जो मामे हैं वो हैं बड़सी, और जो मास्टर जी के मामे हैं वो है ना, अपने मामे हैं बड़ाड़ा है और मास्टर जी के मामे हैं बड़सी। और ये तीनों जो गाँव है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर, मतलब ज़्यादा टाइम को नहीं लगता। तो चलो फिर, तो भाई ईब है सवेरे का टाइम और आड़ा ऋतु लाग रही है रोटी बनान, वो पता नहीं के रख रही है डेगची में चा है के सब्जी है के है। तो अमित अपना लाग रहा है दुकान पे जाने की जो तैयारी है वो करण, और आड़ा मामी छोटी लगान लाग रही है पोचा, और बड़ी मामी है को नहीं अपने घर जा रही है, मतलब कि जो ऑपरेशन है वो करवा रखा है, और जो बीच वाली मामी है वो चली गई है स्कूल में। तो इस टाइम पे फिर ये दो ही मिला करें, रितु और जो छोटी मामी है वो। तो बस मामी पोचा ला देगी, और एक जो मामा है दूसरे नंबर का वो लाग रहा है रोटी खान, और बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं। तो फिर आपने दिखावांगे मतलब फाग रितु का, आज फिर पिछे भी खेल लेते, ये एक दिन पिछे भी। तो ये अपने नानी बैठी है, और नानी के पास में जो दूसरी नानी है वो आ रही है, जो मटोर वाली मौसी है ना उनकी माँ, तो ये भी अंदर नू लाग रही थी चुगली काटन, तो वो भी सुनवावांगे अपने के कह लाग रही हैं। बाकी पूरी तो कौन सुनवाऊँ क्योंकि फिर लड़ाई हो जाएगी जिसकी कर रहे हैं उसके गला मजाक कर रही है, तो अपने आप बतला रही थी किसी की चुगली को नहीं कर दी। ना तारी वीडियो बनाऊंगी, बनाए दे मर जाएंगी, बनाए दी ना जिंदा की।
त्रिदोती मांग, त्रिदोती मांग दोती कौन सी मांगे अगले वीडियो माए है की करेगी यूं का सारे की भेज सीधा खड़े हो जा सीधा वंगा ना हो आहो कुकरे हो जो नक्सु तो भी आड़ा दोनों नानी बैठ के बतलान लाग रही हैं और इब मोनू आ गया है रोटी लेके क्योंकि यो भी अपने फिर जावेगा शायद कोचिंग ले आगे रही वहाँ पे आसी और तो इब देखियो आप फाग मोनू और दो छोटे मामे के और एक के बीच लगा ये तो बेचारा खेल लिया को नहीं एक और ढाई खा के खड़िया हो गया बस न्यू के हो था अच्छे अच्छे तेज तेज हाँ न्यू डिलू लाठी नी लील नी आए के बेरा पट्टिया फाक खेलेगा हाँ न्यू न्यू तो इब मामा के बिहाइंड आए और इब उल्टे फिर आ गए हाँ सुमन का तो इब यो भी रात का टाइम है मतलब जो रात का खाना है वो बनाने लग रहे हैं और आज बनाने लग रही है शायद या जो आलू गोभी की सब्जी है वह तो सरोज सब्जी बना हुआ है आज ही न बदल लिया अपना वो क्योंकि उस दिन सुमन सब्जी बना रही थी सरोज जो ब्रेड पकौड़ा वो बना रही थी और आज सरोज सब्जी बना रही है और सुमन बाहर चूल्हा पर पूड़े तारन लाग रही है तो वो भी आपने दिखावांगे और भाई किसी लागी आपने या जो आज की वीडियो है ज़रूर बताइयो क्योंकि देखो आप खतर स्पेशल मैंने ये जो क्लिप है ना वो मंगवाई थी दोनों पे मतलब फाग तो सुमन और खेल ले को नहीं थे इस करके तो फिर ही नहीं अपना जो खाना बनाने की क्लिप है दोनों देवरानी जिठानी की वो भेज दी थी और वहाँ तो भी मंगवाई थी लेकिन उन्होंने जो माए घनी बड़ी भेज दी मैं कहूँ भी थी मैं कहीं इतनी बड़ी बड़ी क्लिप क्यों भेज दी काम खाई में मेरा फ़ोन भी हैंग हो गया उनका और ये फाग वाली तो बाद में आई है ये पहले वाली थी जो जो माए वो सारी ये एक डेढ़ मिनट की होंगी सारी कुल टोटल मिला के कई तो मैंने नू थी भाई छोटी छोटी बना के भेजूँ ताकि व्हाट्सअप पर वो ठीक आ जाए मैं उनने सोचा कि छोटी छोटी सी बस क्लिप भेजनी है और इस करके तो लेकिन फिर भी चलो रड़ा मिला के सारा काम ठीक हो गया और आपने एक अलग व्लॉग देखने मिल गया थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि आप लोग भी एक जगह के व्लॉग देख के थोड़ा सा हो जाते होगे इस करके और बाकी इसी बात नहीं आपने हंडांदे फिरांदे कदे ब्याह दिखा दिया कदे कुछ दिखा दिया कदे किते तो वो सारी चीज़ दिखाते रहो वहाँ बोर तो खैर को नहीं कर दे फिर भी चलो बढ़िया है आज का व्लॉग भी थोड़ा सा यूनिक सा हो गया तो ई वाड़ा सुमन बनाने लाग रही है मालपुड़े और ये है होली वाले दिन की क्लिप और जो ब्रेड उतारे थे में थी फाग वाले दिन की क्लिप है तो चलो इब दो जगह घुमा दिए हैं और इब चला वापिस अपने घर पे राम राम जी कैसे हो आप सब आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ बिचवा में स्वागत है तो आज है दिन शनिवार और इस टाइम पे 2:30 हो चुके हैं दोपहर के बोलोगे शाम के बोलोगे जिस टाइम के भी बोलोगे तो वो और अभी आज मेरा काम निपटा है क्योंकि आज फिर थी मैं अकेली मेरी माँ गई हुई है जय को लेकर के तो काम लेट हुआ था मतलब 2 बजने वाले थे 15-20 मिनट बाकी थी फिर मैं रेस्ट करने के लिए बैठ गई फोन वोन देखने लग गई और फिर पता ही आपको जब फोन देखने लग जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है और फिर आराध्या आ गई थी तो विष्णु मम्मी खाना बना दे भूख लग रही है क्योंकि आज ये लेके कौन गए थे इसके पापा ने मना कर दिया था भी जल्दी आ जाएगी आई फिर भी 2 बजे या वैसे 3 बजे आया अगर सवेरे एक पराठा और एक दूध का गिलास खिला के तो भेज दी थी मैंने यहाँ तो ये बनाऊंगी और इसका चक्कर में मैंने भी नहीं खाया है क्योंकि मेरे काका खतर बना दी थी रोटी सवेरे भी बना दी थी और फिर
बनाए थी मैं 12:30 बजे से खेत में उतारे जब चुकने की दिक्कत हो गई। राजू फ्रिज में घी काट के दे बेटे। और मैंने जब ये खाया था सवेरे आधा उठा उस टाइम पे और फिर कुछ नहीं खाया, बस लस्सी का गिलास ले लिया था बीच में। ये नहीं बेटा, ये तो टिंडी है, उस छोटी सी कटोरी सी नहीं, ये देखे नहीं हो लगा कब चौड़ा है ना, इसमें मीठा बना है इस करके अब खाऊंगी मैं इसके साथ में। और मैं वेट कर रही थी क्योंकि मेरी माँ और भी आने आ रहे हैं, 12:30 से कल लगभग मतलब इशार थे तो 2-1 घंटे कर रहा है ना, 12:30 इशार का तो पीछे थे तो लाले 3 बजे तक का अंदाजा आ गई, 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। और मैं बोल रही थी बेटा थोड़ी देर रुक जाता हूँ निकले साथ में बना दूंगी फिर सबकी, लेकिन ना मम्मी भूख लग रही है तो मैं चलो तेरी बना दूँ फिर भाई की और दादी की बना दूंगी, क्योंकि मैं भी सवेरे गए थे 6 बजे गए थे, 6:30 में गए थे अड्डे पे, अड्डा पे बैठाए आए थे और इसे करके जल्दी आ गए वरना तो रात भी लाग गया अगर लेट जाऊँ तो फिर। और वही चकला है कौन थोड़ा सा इसको बताना पड़े देखिए एक बारी। और लड्डू तो खिला दिए थे मैंने जो नमकीन बोल रही हूँ मीठे जबे, क्योंकि आटे में मैंने ना सवेरे दाल गाल ली थी, दाल बच रही थी तो फिर इसमें तो प्याज था लहसुन था तो इस करके रोटी तो बना नहीं सकती थी, फिर मैं सोचा कि चलो घी में भून के और फिर दूध में जो मीठे जले ना वो बना दिए थे वो खिला दिए थे। गीति आए मेरा बेटा, नहीं बनाऊं? अच्छा नहीं बना दी, आज फिर आज आज कौन बना दी? ओए पीछे फेंक दिए, पीछे फेंक दिए। तो गीतू भी आ गया है, वैसे तो ये 3:15 बजे आए थे, ये क्लिप मैंने वैसे बीच से ऐड कर रखी क्योंकि उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली थी, बस खाना बनाया खाया और बस फिर बैठे थे, फिर मेरी माँ और आ गए थे, फिर मेरी माँ के लिए मतलब चाय बनाई परौंठे तो मैंने साथ में ही सेंक दिए थे तो खाना दिया और बस फिर लगी थी मैं अपना प्रेस का काम निपटाऊँ। बहुत सारे कपड़े मैंने प्रेस किए क्योंकि कल मैं बस सोच सोच के रह गई कर नहीं पाई थी, तो इस करके मैंने सोचा कि चलो व्लॉग तो कुछ क्लिप वहाँ की हैं कुछ या ऐड करके व्लॉग तो बने जाएगा, तो आज अपना यो काम निपटा लूँ क्योंकि कुछ काम छोड़ के कुछ काम बने हैं और बस ईवीओ जैसे मेरी माँ भी चली जावे तो काम ज़्यादा हो जाए, फिर किसी दिन कपड़े धोने किसी दिन कुछ तो इसी चक्कर में और बस जय भी ना थोड़ी सी देर में इनू हो जाए हमारे। इब की बार तो खैर जल्दी आ गए, पिछली बार रात लगी थी ना तो जो मनु हो गई थी, इसके पापा भी बार बार मेरा नहीं छोरा रोंदा होगा, मेरा नहीं छोरा ठीक होगा के, मेरा नहीं कोई होगा के, और नू और आध्या तो बिल्कुल रो के सोई थी, हाय मम्मी भाई हाय मम्मी भाई। मैं फिर भी थोड़ा सा नू कर लूँ क्योंकि मेरा देखो काम तो जा रहे हैं तो वो भी करना जरूरी है, पूरा परिवार भी साथ में वो नहीं जा सकता तो एक आदमी ने जाना पड़ेगा। और हाँ लेकिन मैंने भी ना बहुत सारी वीडियो निकाल निकाल के देखी, वहाँ की वीडियो बना के डाला है ना उसी दिन की, भाई इसने कितने जय दीख जय पर कोनी उसने मेरी माँ और आए थे और एक ही बार तो हमने फ़ोन कह दी थी मैंने कि भाई फ़ोन दे दियो ताकि पूछ लें फ़ोन करके। देखो पूरे आकर आकर जो है ना ऐसे ऐसे जो पराठे ना वो अच्छे लग रहे तो आज के व्लॉग में इतना ही और फिर मिलूंगी मैं आपने कल एक नए व्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा मत देखा करो, फ्री में कुछ नहीं जाता आप लोगों का, वो भी फ्री में ही होता है ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।